मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही है। छिंदवाड़ा में निर्वाचन आयोग ने चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शहर में पिंक बूथ बनाया है। इस पिंक बूथ मॉडल को देखकर शहर में ऐसे 5 पिंक बूथ बनाए जाएंगे जो महिलाओं के सिंबॉलिक कलर पिंक का होगा। इस बूथ पर महिलाओं से संबंधित प्रतीक्षालय और पीने के पानी की सुविधाएं भी दी जाएंगी। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक महिलाएं अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनवाया है। अधिक से अधिक महिला वोटर घर से निकलकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकें और मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने छिंदवाड़ा में भगवान श्रीचंद पब्लिक स्कूल में मॉडल के रूप में पिंक मतदान केंद्र बनाया है। इक्वलिटी ग्रेजुअली हमें मॉडर्न सोसाइटी में अचीव करना है और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। उसी की दिशा में एक कदम है ये पिंक बूथ भी, तो उस अवसर को हम मिस ना करें। ये आपस में हम एक दूसरे को मैसेज करें और ये एब्सोल्यूट ब्लिस होता है, सब बराबर। ये कितनी बड़ी बात है कि कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा ऊंचा नीचा, काला पीला, रंग भेद, कपड़ा भेद, कोई भेद नहीं। हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन बीइंग है। 18 साल का हो गया तो भैया एक वोट डालना है और वो अधिकार मिल गया। आप पूरी सरकार बदल सकते एक वोट से। आप अपने चुने गए प्रतिनिधित्व को आपका बहुमूल्य वोट जो आप उन्हें देकर उन्हें जिता सकते हैं। आपके ऊपर मतलब इतनी बड़ी देश को चलाने वाले जो व्यक्ति है, सांसद, मुख्यमंत्री, जो विधानसभा, लोकसभा, इनके जो चुनाव होने वाले हैं, आपके एक वोट के कारण ये सरकार आ सकती है। तो एक अच्छी सरकार लाने के लिए हमें ये पहल करनी है कि जितने भी युवा हैं वो आगे आए, अपना बहुमूल्य वोट दें और एक नई सरकार बनाए। वहीं आदिवासी बाहुल्य इलाके में आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए भी प्रेरित कर सके, जिला अधिकारी ने इस मुहिम की कमान एक आदिवासी बेटी विनीता नेटी को सौंपी है, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर भी है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट। मैं चाहूंगा कलेक्टर सर, हमारे